बड़ा
सोच है हमारा अंदर बदक। मुझे ऐसा लगता है कि गंगा में अस्थियां विसर्जित करने से वो बालू का निर्माण होता है, यानी अस्थियों के जो बंध है मजबूती से जो जुड़े हुए हैं वो बंधों को मुक्त करती है और अस्थियों को जो है वो पिघला देती है, यानी कि बालू का निर्माण। लेकिन यदि नर्मदा के जल में अस्थियों का विसर्जन यदि हम करते हैं तो वो अस्थियां कुछ समय के पश्चात पाषाण बन जाती है। यानी शोध का विषय हमारा ये है कि गंगा के जल में अस्थियों का विसर्जन करने से वो अस्थियां गलती हैं और बालू बन रही हैं, लेकिन नर्मदा के जल में अस्थियां जो विसर्जित हो रही है उससे पाषाण बन रहा है। इसका मतलब है गंगा के जल की प्रकृति और नर्मदा के जल की प्रकृति में दोनों में अंतर है। एक बंध को मुक्त कर रही है कणों को और दूसरा जो नर्मदा का जो जल है वो बंध को और मजबूती से जोड़ रहा है। यानी नर्मदा के जल को लेकर अगर शोध किए जाए, उसके पूरे वातावरण को लेकर अगर शोध किए जाए तो ये ओजोन लेयर का पूरा तो सिर्फ एक ऊपरी खुलासा है, तमाम खुलासे और हो सकते हैं। जी, इसमें एक हमारा शोध है कि ये बंद ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ये तो ये है ओजोन की सतह पूरे विश्व में, जैसे कि कहीं कहीं पर ओजोन की सतह में क्षय हुआ या ओजोन की परत कहीं कहीं छेद पाए गए, लेकिन हमारा ये दावा है कि नर्मदा खंड परिक्षेत्र के ऊपर जो ओजोन की सतह है वो सर्वाधिक सुरक्षित है और उसकी भूमिका में नर्मदा खंड परिक्षेत्र जो है और उसका जल जो है वो ओजोन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसके तटीय जो इलाके हैं और जल जो है वो सूर्य के प्रकाश के साथ संधि करके मुझे ऐसा लगता है कि प्रकाश और जल के तल की जब संधि होती है तो कुछ रासायनिक क्रियाएं जो हमारी नग्न आंखें नहीं देख सकती है वो वहां पर अदृश्य क्रियाएं वहां पर हो रही है, जिसके कारण ओजोन की जो परत है वो संपूर्ण विश्व में सबसे सुरक्षित है अपना नर्मदा खंड परिक्षेत्र। मुझे ऐसा लगता है बहुत शुक्रिया आपका समर भैया जी, सरकार हमारे जुड़े थे, युवा संघ है, नर्मदा को लेकर तमाम बातें वो बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर शोध और किया जाए तो और भी रहस्यों पर से पर्दा उठ सकता है। खास प्रश्न स्वागत है।